अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल एबीसी प्रीमियर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में अगर जीएसएम जैसे हम 4G कर लेते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो दोस्तों, जैसे ही और डिटेल भी दी जाएगी कि आप इसे किस तरह से 4G बना सकते हैं और इसे किस तरह आप कर सकते हैं। जीत वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नहीं आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो दोस्तों, हमने ये 4G फोर्स लेट हमने डाउनलोड किया हुआ है, तो ये हमने ओपन किया है। जैसे आपको नज़र आ रहा है आइकॉन पे 4 बार, तो दोस्तों आपने पहली बार पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका मोबाइल एंड्रॉयड नहीं है जैसे कि सैमसंग है, तो आपने सेकंड लाइन चेक करनी है। जैसे कि ये मेरे पास मोबाइल, तो यहाँ से आप फ़ोन नंबर भी, मतलब कि फ़ोन 0 आपकी सिम 1 स्लॉट को ज़ाहिर करता है और फ़ोन 1 जो है वो आपकी स्लॉट 2 को ज़ाहिर करता है। जैसे ये सिम 1 पे हम गए, तो यहाँ पे इसे 4G कर दिया। अगर आप जो सी मर्जी सिम को 4G करना चाहते हैं तो ऐप को कम्प्लीटली बंद करके आपने दोबारा इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इसे 4G जिस सिम को करना हो उसे करके दूसरी को आप 3G भी कर सकते हैं। 4G के नुकसान ये है दोस्तों, इस पे कॉल वगैरह आपकी नहीं आएंगी, मतलब कि 4G रिलेटेड जो आपके पास मोबाइल होते हैं, या किसी दोस्त का और का 4G अकेला लगा हुआ है तो वो आपको सिर्फ वही कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4G 3G वगैरह के, तो आपने यहाँ पे सिंपली इसे 4G कर देना है। तो ये हमारे पास 4G। तो दोस्तों, अगर मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें।